वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है, जो कि है आंवले की अचार की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे एक दिन धूप दिखाकर आप इसे साल भर के लिए किस तरह से स्टोर करोगे, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। तो मैंने तो इसे स्टोर कर लिया है, पहले आप बनाना देख लो, उसके बाद इसी तरह से आप स्टोर भी करना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, आंवले के अचार का अगर सेवन करते हो तो आपका पाचन तंत्र काफी हद तक बहुत अच्छा रहता है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो रहता ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके लीवर को हेल्दी बनाता है और बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और ये जो है फ्रेंड्स, आंवला जो है वो रिच ऑफ विटामिन सी होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही ये लाभकारी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आंवला लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर दिया है, वॉश करके पोंछ लिया है, और इसे ग्रेटर की मदद से, जो मोटे वाले हमारे हैं ग्रेटर, उससे इस तरह से ग्रेट कर लेनी है। तो दिखाए गए वीडियो में आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और आंवला तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, मिलता तो ये विंटर में है, बट समर में अगर इसका जूस बनाकर आप पीते हो तो पेट की अगर जलन की समस्या होती है तो वो काफी हद तक उसका जलन का जो समस्या होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर कहा जाए तो फ्रेंड्स, आंवला जो है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये देखिए, हमने आंवला को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और घर में जो सूप आती है, लकड़ी वाली जो बेत की सूप होती है, उसमें इस तरह से हमने फैला दिया है। अब चलते हैं इसे लेकर धूप में। तो मैं इसे छत पर लेके जा रही हूँ, और इस तरह से हमने इसे छत पर ले आया, और एक दिन की धूप हमने इस तरह से इसे दिखा देनी है फ्रेंड्स। तो अगर ये आंवले की अचार की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है फ्रेंड्स, तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टा फेसबुक पे मैं यही नाम से हूँ, जयंती किचन क्वीन से। और ये देखिए, एक दिन की धूप दिखाने के बाद हमारे जो आंवला का इस तरह से हमने जो ग्रेट किया था, अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं। और इसे सूप में या फिर कोई भी जो छन्नी होती है उसमें आप ऊपर फैलाइएगा, दैट मींस धूप में रखिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, अचार को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने 50 ग्राम लहसुन लिया है, उसके छिलके को उतार के इस तरह से हमने छिलके उतार लिए। यहाँ पे 10 पीस हमने मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक कट कर लिया, तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। फ्लेवरफुल मसाले यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा ले रही हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून मस्टर्ड लिया है, डेट मीन्स येलो वाले मस्टर्ड लिए हैं। और यहाँ पे हमने खड़े वाले धनिया लिया है 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो मसाले मैं तैयार कर रही हूँ, इस मसाले को मैं बचा लूँगी बाद में। इसी मसाले से अचारी भिंडी या फिर अचारी जो अरवी होती है वो बनती है, तो वो भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 1.5 टेबल स्पून मेथी लिया है, और 3 टेबल स्पून हमने सौंफ लिया है। ये चीज़ डालने से फ्रेंड्स आपके जो अचार हैं बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम को लो टू मीडियम किया है, और इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है तब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंजिंग हो जाता है और इसका जो महक है पूरे किचन में नहीं आने लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना। और ये देखिए, हमारे मसाले हैं, थोड़ी सी कलर इसके चेंज हो गए हैं, और इसकी जो सोंधी सोंधी सी खुशबू है वो हमारी किचन में महक रही है। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, और इसे हमने दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि कुकिंग का प्रोसेस ऐसे रुक जाता है। फिर मैंने गैस के फ्लेम को बंद ही रखा, और इसी गर्म पैन में फ्रेंड्स हमने 1 टेबल स्पून कलौंजी, डेट मीन्स मंगरेला डाला, और 1 टेबल स्पून अजवाइन डाला। और फ्रेंड्स इसे इसी तरह से यहाँ पे चला दिया है, थोड़ा सा इसे सेकना होता है। और अजवाइन डालने से फ्रेंड्स आपके डाइजेशन पावर को ये स्ट्रांग करता है, इसलिए अजवाइन इसमें जरूर डालिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 250 ml वाले कप लिए हैं। टोटल फ्रेंड्स हमें 1/2 लीटर यहाँ पे ऑयल लग गया था, बाद में मैंने फिर से डाला था 1/2 कप और, यानी कि 1/2 लीटर और 1/2 कप टोटल ऑयल हमें लग गया था। तो यहाँ पे मैंने 250 ml जो सरसों का तेल आता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और 1/4 टेबल स्पून हमने हींग डाला है। हींग भी आपके डाइजेशन पावर को स्ट्रांग करता है, तो हींग यहाँ पे जरूर डालिएगा, आपके पाचन तंत्र को वो स्ट्रांग करता है। और उसी गर्म ऑयल में इसे चला देना है, डेट मीन्स ऑयल जो है फ्रेंड्स आपकी उंगली जो है उसमें सहनी चाहिए, उतना आपको गर्म करना। और यहाँ पे देखिए, हमारी जो मस्टर्ड ऑयल है कुछ इस तरह से गर्म हो गई। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये देना चाहूंगी कि किसी अचार को अगर साल भर आप स्टोर करते हो तो उस ऑयल को फ्रेंड्स आप गर्म करके ही डालिएगा, तो उसमें कोई फंगस या फिर व्हाइट वाली जो लेयर आते हैं वो नहीं वहाँ पे लगेंगे, आपके अचार अच्छे से साल भर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने लहसुन की कलियाँ को इस तरह से हल्का सा कूट लिया है। कूटने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो अचार है वो और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है, टेस्टी बन के वहाँ तैयार होता है। जिस बाउल में हमने आंवला ग्रेटेड, जो डेट मीन्स ड्राई ग्रेटेड आंवला हमने लिया था, उसी में हमने कूटे हुए लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च और अजवाइन और मंगरेला को हमने डाल दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो मसाले ड्राई किए थे उसे हमने पीस लिया ठंडा करके। यहाँ पे 4 टेबलस्पून हमने वो मसाले ऐड कर दिए हैं जो अचार के मसाले होते हैं, बाकी मसाले हमने साइड में रख लिए हैं। उससे आगे की रेसिपी डेट मीन्स अचारी भिंडी या फिर अचारी अरबी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लिया है और नमक हमने 3 टेबलस्पून लिया है। तो फ्रेंड्स मिर्च और नमक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो, मेरे वहाँ तीखी थोड़ी कम खाई जाती है इसलिए हमने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्च डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे इसका जो कलर है, डेट मीन्स हमारे अचार का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। फ्रेंड्स जो हमारे ऑयल थे थोड़े से ठंडे हो गए थे वो मैंने धीरे धीरे करके इसमें ऐड करनी है और स्पून की हेल्प से इसे कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलाते रहना है तब तक कि हमारे मस्टर्ड ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये देना चाहूंगी कि जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए और मिक्स होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो अगली बार जब आप ऑयल डाल रहे हो तो उसे भी आप गर्म करके ही इसमें ऐड कीजिएगा, ठंडा बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। और ये देखिए हमने जीरा को रोस्ट कर लिया है और यहाँ पे जो खलबट्टा होता है उसमें हमने इस तरह से कूट लेना है। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो मसाले के साथ भी इसमें उसे एक साथ पीस कर डाल सकते हो, बट इस तरह से आप डालोगे तो आपके अचार जो है और ज्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं और जीरा का टेस्ट अपना एक अलग टेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो इसे अलग से डेट मीन्स ऊपर से लास्ट में आप इस रोस्टेड जीरा को जो हमने कूट लिया वो आप डालोगे और इस तरह से डालने से आपकी जो अचार है उसका कलर टेक्सचर और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। मैंने साइड में फिर से ऑयल को गर्म कर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 1/2 लीटर और 1/2 कप ऑयल डेट मीन्स मस्टर्ड ऑयल गर्म करके उसे ठंडा करके हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए हमारा जो आंवले का अचार है कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ये दूंगी कि जब इसमें सारे मसाले और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स मॉइस्ट वाले हाथ से इसे टच नहीं करना है, नहीं तो फंगस आ जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी स्पून जो आप इसमें डाल रहे हो तो वो ड्राई होनी चाहिए और ये अच्छे से मिक्स हो गई है। मैंने इसे प्लेट से ढककर इसे 3 से 4 घंटे के लिए साइड में रख दिया और 3 से 4 घंटे के बाद जब अच्छे से ऑयल उसमें मिक्स हो गई है तो मैंने यहाँ पे कांच का कंटेनर लिया है और इसमें इस तरह से आंवले के अचार को डाल दिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे आंवले के अचार बन के तैयार हुए हैं। और इसके लीड को लगा के आराम से इसे कहीं ड्राई प्लेस पे रख दीजिएगा, इसके बाद इसे धूप दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी अपने फैमिली फ्रेंड्स में से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाजत कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जयंती किचन क्वीन के खजाने से एक प्यारी सी रेसिपी ढूंढकर मैं जल्द ही लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी और टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।